हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बट मेरे फेस में आज थोड़े से दाने हो चुके हैं एलर्जी। तो आज है मंडे और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और तो दोस्तों आज मंडे को है मेरा फास्ट, तो अभी मैं देखती हूँ, आज मुझे करना है घर पर प्रोजेक्ट का काम अपने, इसलिए मैं आज घर पर ही रह रही हूँ। दोस्तों दिन भर, मतलब जब मैं घर पे रहती हूँ तो मैं बहुत अकेली रहती हूँ, अकेले अकेले फील करती हूँ बहुत ज़्यादा दोस्तों। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा कि ना मैं ब्लॉगिंग कर लूँ, मेरा टाइम स्पेंड थोड़े इसमें भी हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, आज है मंडे और आज रहता है मेरा फास्ट। तो सबसे पहले मैं मूर्ति साफ कर लूँगी, काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि मैं गाँव गई थी शादी में, उसके बाद से थोड़े मैंने सफाई नहीं कर ली है यहाँ पर दोस्तों। तो इसलिए मैं आज करूँगी सबसे पहले अपने पूजा सामान साफ। तो दोस्तों ये है मेरी दोस्त प्रियंका, जो कि अभी आई है मेरे यहाँ। अब मैं बताती हूँ क्यों आई है मेरे यहाँ। ये वैसे कभी आती नहीं है, पर आज हमें कॉलेज का कुछ प्रोजेक्ट का काम करना था दोस्तों, तो इसलिए आई है ये मेरे यहाँ। और बहुत शर्मा रही है, ये देख सकते हो आप इन्हें। और मेरी बुक्स टटोले जा रही है, तब से पता नहीं क्या क्या कर रही जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये बन गया हमारा बनाना शेक। दोस्तों इसने बनाया मेरा बनाना शेक, देख सकते हैं आप इसकी शक्ल, ये कलूड़ी को देख लो से भी देखो, अकेले अकेले ठूस रहे हैं, मेरे को नहीं नहीं दे रहे तब तक भी लोग अकेले अकेले का मेरे को नहीं दे रहे तो दोस्तों ये एक दिन आती है और मेरे सारे के सारे नोट्स चोर के लिए आती है, देखो इसे चोर के नहीं, देख लो इसकी शक्ल दोस्तों, इसने मेरा जीना हराम करके रखा है। दे यार तू। क्या देना है? नाटक वहां से निकाल, नहीं मिलने ना दे। ये है पढ़ने वाले बच्चों के लक्षण। सारे बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। और तो दोस्तों फाइनली अभी हम करने लगे हैं अपना काम, और काफी गर्मी भरा दिन है। सुबह में मौसम अच्छा था, पर अभी काफी गर्मी हो रही है दोस्तों। तो ये रही प्रियंका, दे दे निकाल दो वहां पर से, नहीं नहीं मेरे को। तो दोस्तों इसको भी कॉपी निकाल के देनी पड़ती है, एक दिन आती है मेरे सारे नोट्स छोड़ के ही आती है, देख लो दोस्तों। और ये देखो ये सीरियल देख रही है। आजकल सीरियल कौन देखता है भाई? मैं देखती हूँ सास। दोस्तों ये सास बहू वाला सीरियल देखती है, इसकी शक्ल देख लो। अब तो मत पूछना प्रियंका कौन है। दोस्तों इसकी जाने की तैयारी हो रही है, देख लो ये पहन रही है जूते। तो मैं जा रही है घर, बाय बाय बेबी, मिस यू। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ, लेकिन यार यहाँ मैं पिघल गया।
स्टार्ट करा है मैंने। दोस्तों मैं जा रही हूँ मंदिर, अभी 7 बज गए, अंधेरा होने वाला है, थोड़ा सा टाइम बाकी है अंधेरा होने में अभी, तो देख सकते हैं आप लोग मंदिर मेरे घर से पास ही है वैसे, यहाँ हमारा मंदिर जो कि आप वीडियो में हमेशा ही देखते होंगे मेरी। आज सोमवार है तो मैंने सोचा अभी दिया बत्ती करके आती हूँ मंदिर से। दुकान से थोड़ी देर पहले और अभी मैं आई हूँ अपनी किचन में और अब मैं बनाऊंगी खाना, और सबसे पहले मैं बनाऊंगी प्रसाद। तो दोस्तों सोमवार के व्रत के लिए प्रसाद में महाप्रसाद बनता है जिसे चूरन भी कहते हैं, तो मैं वो ही बना रही हूँ। मैंने इसमें घी डाल लिया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ आटा। तो बन गया ये, थोड़ा जल भी गया बट इट्स ओके। तो दोस्तों आप मैं कर रही हूँ पूजा, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए चैनल पर बने रहना, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, बाय बाय दोस्तों। तो अब चढ़ेगा प्रसाद हमारे भगवान जी को, भोग लगाऊंगी मैं, पहले मैं पूजा करूंगी उसके बाद जाकर भोग लगाऊंगी दोस्तों। तो सबसे पहले मैं चढ़ाती हूँ प्रसाद, यहाँ पर रखती हूँ, और ये है मेरे प्यारे भोलेनाथ। अब होगी दोस्तों मेरी पूजा। दोस्तों ये था मेरा डेली ब्लॉग का पार्ट, आज का पार्ट 4 है, ये मेरा 4th ब्लॉग है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्द।